हाय फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं साईं बाबा शिरडी। हमने अपना सामान भी पैक कर लिया है, बस हम निकलने ही वाले हैं। तो हस्बैंड का बैग है, इसमें उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया है। इस बैग में मैंने अपने और मेरे बेबी का जो भी सामान है, इवन जो चद्दर्स है, ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि इस सफर में ये सब जरूरी रहते हैं वो पैक। ये मेरा हैंड बैग है, इसमें मैंने जो अपने मोबाइल से रिलेटेड आइटम्स हैं सारे के सारे वो आइटम्स रखे हैं, कैमरा से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो रखे हैं। और इस बैग में मैंने पैक किया है अपना खाने पीने का सामान। और ये मेरी छुटकी देखो बैठ के दिखा रही है आप सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। बीच बीच में आपको सारी जर्नी का और भी दे दिया जाएगा। और तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए, लेट्स गो। दे आप सबने देखा कि हम ट्रेन से आए हैं और अब हम यहाँ श्री साईं बाबा संस्थान में जाकर के रुकेंगे। हम पांच परिवार ने एक साथ यात्रा शुरू की। हमने सिकंदराबाद में बोलाराम स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की थी और हम नागरशोल उतरे थे और हम सुबह सुबह उतरे थे और वहाँ से सीधा हमने वहाँ से टैक्सी ली। टैक्सी बहुत सस्ती मिल जाती है वहाँ से और हमने टैक्सी सीधा हम यहाँ साईं संस्थान में आ गए। हमने यार ऑनलाइन ही टिकट बुक कर ली थी क्योंकि 150 रुपए में हमें एक रूम मिल रहा था कि जो कि बहुत सस्ता था। इसमें अच्छी फैसिलिटी थी, हमें 4 बेड्स भी मिल गए थे, साथ में हमें हॉट वाटर भी मिला था और इवन जो ब्रेकफास्ट मिला था वो प्रसाद के रूप में मिला था। तो हमें 5 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट मिल गया था जिसमें पूरी थी और छोले की सब्जी थी, साथ में एक मिठाई भी थी। तो अब हम यार सब तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जैस तैयार होगी, अलका तैयार होगी, मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब हम सब तैयार होकर फ्रेश होकर और पूरा परिवार अब जा रहा है श्री साईं बाबा के पास दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। और हम सभी पैदल ही जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर श्री साईं बाबा का मंदिर है। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं लेकिन जब दर्शन करने आए हैं तो पैरों पे ही जाना ज़्यादा अच्छा है। तो हम पैदल ही जा रहे हैं सभी। ये देखिए हम रोड बाई चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं बट आप ऑनलाइन ही बुकिंग कराए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। हाँ, तो अगर आप मान लीजिए नहीं भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको आराम से होटल अवेलेबल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप रोड के साइड बाई कितने सारे होटल्स हैं, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा पर आपको फिर भी होटल मिल जाएगा, आपको रहने में दिक्कत नहीं होगी। और ये हमने एक ग्रुप फोटो लिया था, अभी हम सब अपनी यात्रा की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं हम बिल्कुल साईं बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये आपने देख लिया होगा मंदिर के आसपास कितनी सारी दुकानें हैं सजी हुई है टॉयज से, भगवान के वस्त्रों से। अभी हम फिर से चल पड़े मंदिर की तरफ। ये मैंने एक गुलदस्ता लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए। यहाँ फूल बहुत सस्ते हैं, बहुत ही चीप प्राइस में फूल मिलते हैं यहाँ। यहाँ गुलाब के फूल आपको इतने सस्ते मिल जाएंगे, यानी कि जो आपको हमारी तरफ 15-20 रुपए में जो फूल मिलता है उतने रुपए में यहाँ पूरा गुलदस्ता मिल जाता है। ये प्रसाद की दुकानें हैं, प्रसाद पूजा का सामान सब सजा हुआ है, टॉयज वगैरह हैं, सब अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ ही। एक ज़रूरी बात कि आपको दर्शन के लिए कूपन लेना पड़ेगा, यानी कि काउंटर से आप कूपन ले सकते हैं, तो आप वो श्री साईं भक्ति निवास से ही ले लें, वहाँ पर इतनी मतलब रस नहीं रहता तो आपको ईजिली मिल जाएगा। जब आप मंदिर में आके लेते हैं तो मंदिर में थोड़ा रस रहता है तो आपको थोड़ी टाइम लग सकता है वहाँ, तो आप जहाँ रुके वहीं से अपना कूपन ले लें। अब हम आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि अंदर ना तो कैमरा लेके जा सकते हैं और ना ही कोई और सामान। तो हमने ये जो आप देख रहे हैं बाबूजी, इसी बाबूजी के पास हमने अपना सारा सामान रख दिया था। तो अब हम दर्शन करके आ चुके हैं, ये है वो फ्रंट गेट जहाँ से हमने एंट्री किया था। अंदर लगभग हमें 1.5 घंटे के लगभग टाइम लग गया था। और हम बहुत ही भाग्यशाली थे जो कि हम ऐसे टाइम पे पहुंचे जिस टाइम पे श्री साईं बाबा की आरती हो रही थी। हम 12:30 के अराउंड पहुंचे थे। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो आरती के समय पे मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो हमने पूरी आरती अटेंड की थी और हम बिल्कुल बाबा के सामने तो नहीं खड़े होकर आरती अटेंड कर पाए, लेकिन आपको बहुत सारे कैमरा टीवीज लगे हुए हैं उसमें आपको लाइव आरती दिख जाती है। और आरती के बाद हमने बाबा के दर्शन किए और फिर हम मंदिर से बाहर आ गए। तो ये देख सकते हैं आप, ये है वो मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर अच्छा, है। अंदर बहुत ज़्यादा साफ सफाई है और काफ़ी सुकून मिलता है। तो अब हम साइड से जा रहे हैं और वही दुकानें दोबारा से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर वो सामान मिल जाता है जो शायद हमें अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलता, जो कि मंदिर से रिलेटेड होता है। तो वो सारा सामान सब परचेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये वो सारी फैमिलीज है जो हमारे साथ ग्रुप में आई थी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अपने लिए वॉच खरीदने लग रहे हैं क्योंकि बच्चों को वॉच और चश्मा का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है।
और हम लेडीज लोग तो बस अपने मंदिर का सामान देखते रहते कोई अच्छा सा मिल जाए। और ये मेरा दोस्त पवन शर्मा बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, इसके हाथ से मैंने बहुत बार खाना खाया है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है। और ये उसकी प्यारी सी बच्ची है और ये उसका प्यारा सा लड़का है। और ये देखिए फाइनली मैंने और जैस ने भी एक चीज़ खरीदा है, हमने कछुआ खरीदा है, बोलते हैं बहुत अच्छा रहता है घर में रखना हुआ, तो हमने वो खरीद लिया है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ इस वीडियो को ताकि आप देख सकें कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं अलका? अब हम जाएंगे श्री साई प्रसादालय। जो श्री साई प्रसादालय है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें निशुल्क भोजन मिलता है, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भंडारा चलता है वहाँ पूरे दिन, तो अब हम भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं जो यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स ये है वो प्रसादालय साईं साईं भगवान का। और ये आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं साईं बाबा की तस्वीर है, काफ़ी बड़ी तस्वीर है। और साथ में वो खाना बना रहे हैं हम भक्तजनों के लिए। यहाँ पर जितना भी खाना बनता है वो सारा का सारा सोलर पैनल से बनता है, आप ऊपर देख भी सकते हैं, आप पॉज करके भी देख लें। तो यहाँ पर गैस यूज़ नहीं होती। और अलका यहाँ लगभग कितने लोग खाना खा लेते हैं? हमने यहाँ पे पूछा था तो उन्होंने बताया कि 3017 यानी कि 3017 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। अभी हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं लेकिन आप देखना अभी हम जैसे एंट्री कर रहे हैं। और आप खाने का कूपन भी श्री साई भक्ति निवास से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी रस रहता है, आपको रस में लगना पड़ेगा। और आप यहाँ से भी ले सकते हैं कूपन काउंटर से। हाँ तो अगर आप वहाँ से भी ले लें, नहीं वहाँ से लिया तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। हम लाइन में खड़े हैं, अभी आप अंदर का नज़ारा देखना, वहाँ पर 3017 लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे फर्श पर तो वहाँ पर गंदगी के नाम पर कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा खाना देते हैं। हमने खाया तो बहुत हमें अच्छा खाना लगा। और चावल थी, रोटी थी, सब्जी थी, दाल थी, ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सिंगापुर, तो हमारी अगली यात्रा यहाँ से है सिंगापुर की। तो अगले पार्ट को देखना ना भूलें।